मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से, मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों जब आप अपनी मध्यवर्ती शिक्षा पूर्ण करके किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं तो आपने अपने लक्ष्य से जुड़े कई सपने देखे होंगे, उनको पूरा करने की उम्मीद जागी होगी। नई यूनिवर्सिटी, नए लोग, नए दोस्त, नए टीचर्स, नए कपड़े, नया माहौल, कितना सब अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर उसी नई यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ छात्रों द्वारा आप पर दबाव बनाया जाए, आपसे वो काम करवाया जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो? बुरा लगेगा ना, सोच कर भी अच्छा फील नहीं होता। दरअसल इसको रैगिंग का नाम दिया गया है। लेकिन बात करें हम मंगलायतन विश्वविद्यालय के बारे में तो यहाँ रैगिंग को किस नजरिए से देखा जाता है, रैगिंग करना कितना सही है और कितना गलत, आइए जानते हैं। और आपको बता दूं इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको टीचिंग के क्षेत्र में लगभग 21 साल का तजुर्बा है, जिनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करीब 100 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर, 4 पेटेंट और एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है और जिन्होंने कई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर खुद को साबित भी किया है। आज वो मंगलायतन विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ वर्तमान में मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड, क्लस्टर हेड ऑफ IET, ILSR, एंटी रैगिंग नोडल ऑफिसर एंड प्रॉक्टर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर किशन पाल सिंह जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर किशन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद याशिका, इस बार आपने मुझे एज ए अगेन प्रॉक्टर बुलाया है, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। डेफिनेटली डॉक्टर किशन सर, आज जहां समाज में रैगिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के व्यवहार को रैगिंग का नाम दिया जाता है। एक्चुअल में जो रैगिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट का स्टूडेंट से पूछना, कुछ इस तरीके का वर्क कराना जो जूनियर बच्चे को पसंद नहीं है, जैसे? उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम कराना। ओके। जैसे अगर कोई सीनियर बच्चा है वो ये कहता है कि आप मेरी फाइल कंप्लीट करो बेटा, जूनियर से, तो वो बच्चा उस सीनियर बच्चे की फाइल को कंप्लीट करेगा जो प्रैक्टिकल की फाइल है। उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि वो अपनी फाइल कंप्लीट ना कर पाए, जब वो प्रैक्टिकल में जाएगा, फेस करेगा प्रैक्टिकल को, तो उसके मार्क्स तो कम हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, लेकिन सीनियर बच्चे के मार्क्स अच्छे आएंगे। मतलब तो, अपना काम जूनियर से करवाना। जी। दूसरा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, वो जूनियर बच्चों से कहते हैं कि आप मेरे कपड़े धो दो, अच्छा, आप इस कमरे में झाड़ू लगा दो। नहीं लगाते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है, उनकी पिटाई कर दी जाती है एक ग्रुप के साथ मिलकर। या कोई ऐसा वर्क जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, कई बार सीनियर बच्चे कहते हैं चलो जाओ तुम मुर्गा बन जाओ। तो ये सारे जो एक्ट है वो आपके रैगिंग एक्ट में आते हैं। इन सारे एक्ट से बच्चों को बचना होता है। उसके लिए हमने कुछ अपने मेजर्स बना रखे हैं। कुछ मेजर्स UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बना रखे हैं, हम दोनों ही मेजर्स को फॉलो करते हैं। सर क्या इसमें शिक्षण कर्मचारी भी शामिल होते हैं रैगिंग जैसे प्रोसेस में, या नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो वो भी उन सीनियर्स का साथ देते हैं बच्चों को रैगिंग करवाने में? इसमें कोई भी शिक्षण कर्मचारी या शिक्षणेतर कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो सकता है। इन दोनों ही स्टाफ का ये काम है कि जहाँ भी कहीं इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है उसको उसी वक्त वहाँ पे रोका जाए। ओके। रैगिंग जैसे अपराध को रोकने के लिए यानी एंटी रैगिंग के लिए सरकार के द्वारा किस तरह के कानून बनाए गए हैं जिससे बच्चा अवेयर हो सके? इसके लिए जेल का भी प्रावधान है। ओके। बच्चा जेल जा सकता है, उसके खिलाफ FIR हो सकती है, और इसमें इकोनॉमिकली भी है कि उसके ऊपर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना यूनिवर्सिटी कर सकती है। ओके। दोनों ही केस में, एक केस आपका यूनिवर्सिटी स्तर से है जहाँ पे हम अपना ये मेजर लेते हैं, उसको हम एग्जाम से रोक सकते हैं, उसको हम उसकी क्लासेस सस्पेंड कर सकते हैं,
उसको हम आर्थिक कोई पेनल्टी ला सकते हैं अप टू 25,000। ये आप ओवरऑल की बता रहे हैं या मंगलायतन की बता रहे हैं? ये मैं ओवरऑल जो UGC ने इसको किया हुआ है। ओके okay. बच्चा अगर उसकी इच्छा होती है तो एक FIR भी हो सकती है और वो बच्चा अरेस्ट भी हो सकता है। okay. ये जा सकता है। अब हम मंगलायतन की बात करते हैं तो मंगलायतन में रैगिंग की कितनी संभावना है? देखिए, हम लोगों ने जो रैगिंग की संभावनाएं होती हैं उसको बहुत ही मिनिमम करने की कोशिश की है कि कम से कम रहे। पूरा कैंपस हमने अपना अंडर सर्वेलेंस रखा है, सारे हर कॉर्नर पे हमारे कैमराज लगे हुए हैं जी। इसके अलावा स्टूडेंट भी हैं जो इस चीज से अवेयर हैं, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। हमारा प्रोक्टोरियल स्क्वाड है एक पूरा, 16 मेंबर्स है फैकल्टी का जो हर समय इसको मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं। okay. हमारे वार्डन्स इसको वॉच करते हैं। हमारा कोई भी फैकल्टी मेंबर जो कहीं मूव कर रहा है या कहीं जा रहा है वो भी इस चीज को वॉच करता है। मतलब हर तरफ से नजर रखी जा रही है कि इस तरह की एक्टिविटी ना। जी, ये रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट हो और बच्चे यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, कोई सीनियर बच्चे किसी जूनियर बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ना बनाए। ओके वहीं बात करें रैगिंग को रोकने के लिए तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो मंगलायतन विश्वविद्यालय ने क्या कदम उठाए हैं, क्या रूल्स ऐसे बनाए हैं कि अगर कोई एक्टिविटी होती भी है तो उसको वहीं की वहीं रोक दिया जाए? एक्चुअली अगर कोई एक्टिविटी कहीं होती है तो वो तो लॉज होगी, उस वक्त तो रोकना मुश्किल है। अगर वहाँ पे कोई हमारी फैकल्टी है तो उसको इंटरफियर करेगी और उसको वहाँ स्टॉप कराएगी। अगर ऐसा कोई केस हमें आता है तो जो भी UGC ने अपने मेजर्स रखे हुए हैं हम उसको फॉलो करते हैं। अच्छा। हम सारे मेजर्स UGC के फॉलो करते हैं, हमारा अपना कोई मेजर्स नहीं है जी। वहीं अगर किसी बच्चे के साथ रैगिंग हो जाती है इन केस, तो उस बच्चे को क्या कदम उठाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? एक्चुअल में अगर ऐसी कोई घटना किसी बच्चे के साथ घटित होती है तो उसको सबसे पहले प्रॉक्टर ऑफिस में आके इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर मेरे साथ इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है। ठीक है। अगर वो प्रॉक्टर ऑफिस नहीं आ पाता है, उसे नहीं मालूम है, तो सबसे नजदीक उसके पास उसके क्लास कोऑर्डिनेटर हैं। वो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर को बताए कि इस तरीके की कोई घटना घटित हुई है। वो अगर क्लास कोऑर्डिनेटर नहीं है तो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताए कि सर मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है, और वहां से वो घटना हमारे पास तक आ जाएगी। तो प्राइमरी जो उसके पास ऑप्शंस है वो सीधे अपने क्लास कोऑर्डिनेटर के पास जा सकता है। अगर कोई घटना मान के चलिए किसी कैंपस के नजदीक होती है तो वो उस कैंपस के हेड के पास भी जा सकता है, वो किसी भी स्टाफ को बता सकता है। हमारे यहाँ पे गार्ड्स भी 24 घंटे घूमते रहते हैं, वो गार्ड्स को इन्फॉर्म कर सकता है। किसी भी तरीके से वो इन्फॉर्म करे, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉक्टर ऑफिस में आ जाती है। देन हम उसके बाद उसका जो भी स्टेप सुटेबल है वो लेते हैं। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल यही होगा कि अगर कोई बच्चा रैगिंग करता है किसी बच्चे के साथ, किसी जूनियर के साथ, तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की जाएगी मंगलायतन विश्वविद्यालय के द्वारा? सबसे पहले अगर कोई बच्चा इस तरीके की कंप्लेंट करता है तो हमारा पहला स्टेप यही होता है कि जिस बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट हो रही है हम उसको पहले अपने यहाँ से सस्पेंड करें, रोल से सस्पेंड करते हैं, फिर उसकी हम सुनवाई करते हैं। उस सुनवाई को उसके गार्जियंस भी बुलाते हैं। उस सुनवाई में अगर हमें लगता है कि बच्चा दोष युक्त है तो फिर जिस तरीके की दोष किया है उसने उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट देते हैं। मतलब लेवल्स अलग अलग है, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप उसको पनिश करें। जी, किस लेवल की एक्टिविटी की है उसने, जो क्या हम बोलते हैं कि ये रैगिंग के दायरे में आती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो रैगिंग के दायरे में नहीं आती है, उसको भी अगर कोई जूनियर बच्चा आके हमसे कहता है तो हम उसको रैगिंग के दायरे में नहीं ले सकते हैं। जो रैगिंग के दायरे की है उसके रैगिंग के हिसाब से जिस तरीके का ऑफेंस हुआ है उसकी ग्रेविटी को देखते हुए हम वो स्टेप लेते हैं। एक सवाल मैं करना चाहूंगी, यहाँ मंगलायतन विश्वविद्यालय में हॉस्टल भी है, तो यहाँ कोई ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिविटी होती है कि किसी जूनियर की जो डोर है उसको कोई सीनियर नॉक करके चला जाता है बार बार, और वो बच्चा आके देखता है तो सीनियर नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे परेशान करने के लिए वो टाइम टू टाइम उसको नॉक कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या हम रैगिंग की कैटेगरी में ला सकते हैं? नहीं नहीं, ये जो सिचुएशन है ये रैगिंग की कैटेगरी में नहीं है। हालांकि फिर भी हमने हॉस्टल में अपने यहाँ फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है, न्यूली एडमिटेड बच्चा है, उसको सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स के बच्चे से सेपरेट रखा है। okay. उसके बीच में एक हमने सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है और एक फ्लोर इंचार्ज भी बनाया है। ठीक है। उस इंचार्ज का ये काम है कि इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो रिपोर्ट करेगा। हर फ्लोर पे CCTV लगे हुए हैं, अगर बच्चा इस तरीके की कोई नॉकिंग या इस तरीके कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और हम उसके हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ओके, अब आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, मंगलायतन विश्वविद्यालय में अगर कोई रैगिंग होती है तो उस पे आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर
वैसे तो इस तरीके का एक्ट नहीं चाहते कि हो हमारे यहाँ। अगर कभी ऐसा कोई एक्ट हो जाता है तो सबसे पहले तो जो हमने मेजर्स लिए हैं वो लेंगे ही लेंगे हम। और उससे पहले हमने सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ 3 दिन का एक वर्कशॉप किया है, जिसमें हमने उनको सेंसिटाइज किया है कि वो फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी ना करें जो वो रैगिंग के केस में फंसे। सीनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब थर्ड ईयर के बच्चे भी हैं, फोर्थ ईयर के बच्चे भी हैं, तो सभी बच्चों को हमने सेंसिटाइज किया है। और उसका प्रभाव भी है कि बच्चे जो है इस चीज से अवेयर है और इस तरीके की जो एक्टिविटीज है स्टार्टिंग में होती है जो अभी तक हमारे यहाँ कोई नोट नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मंगलायतन विश्वविद्यालय के लिए एक प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ ना ऐसी चीजें होती हैं, और अगर कभी भविष्य में हुई भी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जो इस तरीके का रैगिंग का एक्ट है उसको रोकने में काफी हद तक सफल हो गए हैं। ओके। अभी तक का अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे पास कोई भी केस इस तरीके का रिपोर्ट नहीं हुआ है, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके का कोई भी हमें केस ना मिले। अगर ऐसा कोई केस आता है तो जो भी प्रॉपर उसके खिलाफ हमें कोई कार्रवाई करनी है तो हम करेंगे। बिल्कुल सर। और इस समय आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं, गांव के लोग, सीनियर सिटीजन सुन रहे हैं, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टीनेजर सुन रहे हैं। तो अगर एक ओवरऑल संदेश की मैं बात करूं आज के विषय के मुताबिक, आप उनको क्या अपनी ओर से संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, ये जो रैगिंग वर्ड्स है, अगर इसकी किसी से आप, किसी भी व्यक्ति से आप इसकी हिंदी पूछें तो वो हिंदी नहीं बताएगा। हाँ, रैगिंग को रैगिंग ही कहा जाता है जी। असलियत में ये जो रैगिंग शब्द है, ये जो रैगिंग का एक्ट है, ये हमारे यहाँ कभी था ही नहीं। भारत वर्ष में कभी रैगिंग होती ही नहीं थी। हमारे यहाँ आश्रम पद्धति रही है, वहाँ पे किसी भी बच्चे का इंट्रोडक्शन होता था, लेकिन इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हम लोग नहीं करते थे और आज भी हम नहीं करते हैं। ये जो रैगिंग वर्ड्स है या रैगिंग का एक्ट है, ये वेस्टर्न कल्चर से हमारे यहाँ आया है। ओके। इसी वजह से शायद इसका कोई हिंदी का शब्द नहीं है, कह सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको कोई टच ना करे। रैगिंग को अगर हम बात करते हैं तो बस यही है कि किसी भी व्यक्ति के सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर आप कोई टच करता है तो वो रैगिंग का टर्म आता है, रैगिंग में आ जाता है। तो मेरा सभी से ये है कि ठीक है, आपके जूनियर्स हैं, गांव में भी लोग हैं इस तरीके के, आप उनसे परिचय लीजिए, उनको सहायता कीजिए। जहां वो कहीं फंसते हैं पढ़ाई में या किसी और, तो वहां उनकी सहायता करिए, उनको बताइए कि उनके भविष्य के टास्क क्या हैं, उनको बताइए कि उनके गोल्स क्या हैं, एम क्या है। जो सीनियर स्टूडेंट है वो अपने जूनियर स्टूडेंट को आगे आने वाली परेशानियां और उस परेशानियों से कैसे हम समर्थ हो सकते हैं खत्म करने के लिए, वो उसको बताना चाहिए, उसके एम्स बताने चाहिए, लाइफ के गोल्स बताने चाहिए, आगे उसको किस जॉब के लिए तैयार करना है वो बताना चाहिए, उसका परिचय ले, उसकी रैगिंग ना करे, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुंचे। okay. उसका आत्मसम्मान बना रहना चाहिए। मेरा यही सभी से एक संदेश है। बहुत ही अच्छा संदेश है सर। और जैसा कि आपने इसका इतिहास बताया, बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे रैगिंग कहाँ से आया, कैसे आया भारत में, तो आज वो लोग भी इससे अवेयर हो चुके होंगे। दोस्तों, रैगिंग एक अमानवीय व्यवहार है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि आपके साथ होती है तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि आपके जैसा कोई दूसरा पीड़ित ना हो। बाकी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर किशन पाल जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि आप किसी का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, उसको सहायता कर सकते हैं, लेकिन किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचाएं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। साथ ही आप अपने एक्सपीरियंसेस जूनियर बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं कि जो आपने महसूस किया, जो प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, वो टैकल करने के बाद आप जूनियर को ये बता सकते हैं कि आप इस चीज से सावधान रहें, अवेयर रहें। तो इतने प्यारे से संदेश के लिए सर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप रेडियो नारद से जुड़े एंटी रैगिंग इन मंगलायतन यूनिवर्सिटी के विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यशिका, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी मंगलायतन के सीनियर छात्र हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि वो किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, वो अपने सम्मान को बनाए रखेंगे। अगर कोई भी एक्ट इस तरीके का हमें पाया जाता है तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी। धन्यवाद याशिका, इस प्रोग्राम के लिए आपने मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अजय याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की
मंगलवार।